सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। इजराइल से भीख मांगने वाला और कोई नहीं, यूक्रेन है। आपको ये तस्वीर सीधी देखनी चाहिए और मेरी आवाज पर ध्यान देना चाहिए। ये सारे यहूदी, जी हाँ, जो रब्बी हैं, यहूदियों के धर्म गुरु और काफ़ी सीनियर जो धर्म गुरु हैं, वो सब के सब इजराइल से भी ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए पहुँचे थे। और ये इसलिए पहुँचे थे क्योंकि इनके यहाँ का एक प्रोग्राम है, यहूदियों का एक फेस्टिवल चल रहा है, जिस मौके पर ये लोग पहुँचे थे। जैसे ही ये लोग ज़ेलेंस्की से मिले तो ज़ेलेंस्की ने अपना रोना शुरू कर दिया। ज़ेलेंस्की ने लॉलीपॉप भी दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर इज़राइल हमारी मदद करेगा, हमें आयरन डोम देगा, तो यहाँ के आयरन डोम भी यहूदियों की ही जान बचाएंगे। क्योंकि दोस्तों, यूक्रेन में जो सबसे ज़्यादा आबादी है वो यहूदियों की है और ज़ेलेंस्की खुद एक यहूदी है। और इसके अलावा ज़ेलेंस्की ने कई बातें कहीं कि हमारे यहाँ जो यहूदी आते हैं उनकी सेफ्टी होगी, और अगर हम जीतेंगे तो इसमें इज़राइल का एक बेनिफिट है। साथ में यूक्रेन ने ये भी, यानी ज़ेलेंस्की ने भी कहा कि यहाँ बॉम्ब शेल्टर की कमी है, आप यहाँ पर बॉम्ब शेल्टर बनवाइए। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि हमें और मदद की ज़रूरत है, जितनी मदद हमें मिल रही है वो मदद काफ़ी नहीं है। उधर नेटो ने भी बड़ा बयान दिया है। नेटो ने कहा है कि अगर रशिया हारता है तो इससे इसराइल को बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर रशिया हार गया तो रशिया फिर ईरान को हथियार नहीं दे पाएगा। उधर दोस्तों, नॉर्वे जो है एक नेटो का देश है, और ऐसे देश में अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भेज दी है। अब ऐसा उसने क्यों किया, ये बस अमेरिका ही जानता है। ब्रिटेन में उधर अमेरिका अपने F-35 विमान तैनात करने वाला है। F-35 विमान, आपको बताऊं, जो फाइटर जेट है F-35, वो परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। इसको लोग इसी नज़र से देख रहे हैं कि अब रशिया पर ख़तरा बढ़ता जा रहा है और रशिया का घेराव शुरू हो चुका है। पड़ोसी देश रूस का, जो बेलारूस है, उसके राष्ट्रपति लोकाशेंको जो है रशिया पहुंचे हैं व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करने के लिए। वैसे तो दोनों पहले से साथ हैं, लेकिन अब ये क्या बात करने पहुंचे हैं ये तो चंद रोज़ बाद ही सामने आएगा। अमेरिका ने रशिया और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती को देखकर बयान जारी किया और कहा कि इन दोनों के बीच जो करीबी बढ़ रही है ये काफ़ी ट्रबलिंग है, काफ़ी परेशान कर देने वाली है। अगर इन दोनों ने और भी ज़्यादा करीबी बढ़ाई और नॉर्थ कोरिया ने अगर रशिया को हथियार दिया तो हम दोनों पर पाबंदी और बढ़ा देंगे। When you see Kim Jong-un vowing to provide full unconditional support for Russia's so-called sacred fight to defend its security interests, which of course is not what it's doing with respect to the war in Ukraine, that of course is troubling. When you see what looks to be increased cooperation and probably military transfers, as we've said for some time, we have reason to believe they were going to discuss military transfers, that is quite troubling and would potentially be in violation of multiple UN Security Council resolutions. And with respect to what any outcomes might be, we have taken a number of actions already to sanction entities that have brokered arms sales between North Korea and Russia, and we won't hesitate to impose additional actions if appropriate. Is that a concern that Russia could be actively promoting improving the North Korean absolutely. That was what I was referring to in my reference to the multiple UN Security Council resolutions against North Korea's ballistic missile program, which Russia itself voted for and now could potentially be violating. वहीं जब किम जोंग नॉर्थ कोरिया के तानाशाह जब रशिया पहुंचे थे तो उन्होंने भी व्लादिमीर पुतिन को इनविटेशन दिया है। अब आपको बता दूं, बड़ी खबर यह है कि व्लादिमीर पुतिन ने इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। यूक्रेन के पास रशिया का ही SU-25 अटैक फाइटर जेट है, जो रिकॉर्ड हुआ है रूस के इलाकों पर हमला करते हुए। रशिया और तुर्की मिलकर एक बड़ा काम करने वाले थे। रशिया तुर्की के अंदर गैस हब बनाने वाला था। अब ये डील
बहुत ज़्यादा डिले हो रही है क्योंकि कई मुद्दों पर रशिया राज़ी नहीं है, कई पॉइंट पर तुर्की राज़ी नहीं है, तो एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, रजामंदी नहीं हो पा रही है। उधर अमेरिका ने 5 तुर्किश कंपनियों को बैन कर दिया है जो तुर्की की कंपनियां रूस की मदद कर रही थी। रूस ने क्रीमिया के इलाके से कई लोगों को डिटेन किया है। बता दूँ कि कहा जा रहा है कि क्रीमिया में रहकर जो लोग, खासकर चंद लोग थे, वो यूक्रेन के लिए काम कर रहे थे, तो रूस की इंटेलिजेंस ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। रूस का एक तगड़ा नुकसान हुआ है जिससे रूस की कमर टूट रही है। इसी महीने में यूक्रेन ने रशिया का सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम, जो पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम माना जाता है, S-400, इसी महीने में दूसरा S-400 यूक्रेन ने क्रीमिया के इलाके में तबाह कर दिया है। अभी मैंने आपको बताया था कि भारत के खिलाफ और चीन के खिलाफ ज़ेलेंस्की के एडवाइज़र ने ज़बान चलाई और कहा था कि इतने मजबूत ये देश नहीं हैं चाइना और भारत, इन्होंने तो अपना स्टैंड ही क्लियर नहीं किया, हमारे साथ खड़े नहीं हुए, G20 की मीटिंग कामयाब नहीं हुई, हमारे मुद्दे पर कुछ नहीं बोले, बहुत सारी बातें बोली, जिस पर दोस्तों ज़ेलेंस्की को डर बैठ गया कि भारत और चाइना हम पर भड़क न जाएं। इससे पहले भारत और चाइना कुछ प्रतिक्रिया देते, खुद ज़ेलेंस्की की सरकार ने ये बात कह दिया कि ये जो मेरा जो ज़ेलेंस्की का जो एडवाइज़र है, इसने जो कुछ भी मुंह से हगा है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, उससे सरकार का लेना देना नहीं है, वो उसका पर्सनल व्यू है। सेवेस्तोपोल के जिस इलाके में रूस के शिपयार्ड को तबाह किया था यूक्रेन ने, उसकी तस्वीर मेरे पास मौजूद है, अब देखिए। रशिया ने अपने देश में मौजूद 2 अमरीकी एम्बेसी में काम करने वाले अमरीकियों को निकाल दिया है जासूसी का इल्ज़ाम लगाकर, जिस पर अमरीका बुरी तरह से नाराज हो गया है, भड़क गया है। उधर रूस का T-90M टैंक यूक्रेन के ऊपर हमला करते हुए देखा जा रहा है। उधर रशिया ने बड़ा खुलासा किया है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक खतरनाक हथियार अमेरिका ने यूक्रेन में टेस्ट करने के लिए जगह बना ली है। यह तस्वीर देखिए, ये एक समुद्री बोट है, ड्रोन, बोट ड्रोन जो सामने जाता है और रूस के जहाज से टकराकर विस्फोट हो जाता है, फट जाता है। इस वीडियो को जारी करके रशिया ने कहा है कि हमने ऐसे कई ड्रोन, समुद्री ड्रोन को यूक्रेन के तबाह किया है। यूक्रेन ने आधिकारिक तौर पर अपने ही खैरसन के इलाके वालों से कह दिया है कि खैरसन खाली कर दो। दोस्तों खतरनाक चीजें अब होने वाली हैं। उधर दोस्तों इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यूक्रेन की राजधानी कीव में अपना ऑफिस ही खोल लिया है, रूस के लिए मुसीबत। उधर यूक्रेन के सैन्य अधिकारी ने बड़ी बात बोल दी है जिससे रूस भड़क जाएगा 100%। उन्होंने बयान जारी करके कहा कि पूरी दुनिया में रूस के जितने भी जासूस हैं, यूक्रेन की सेना उन्हें ढूंढ ढूंढ कर वहीं मारेगी। सुनिए। रशिया हेट्स द ट्रूथ।
that their obsessive focus on a Ukrainian volunteer is simply allowing the light of the Ukrainian nation's honesty to shine brightly. Next week, the teeth of the Russian devils will gnash ever harder, and their rabid mouths will foam in uncontrollable frenzy as the world will see a favorite Kremlin propagandist pay for their crimes. And this puppet of Putin is only the first. Russia's war criminal propagandists will all be hunted down, and justice will be served as we in Ukraine are led on this mission by faith in God, liberty, and complete liberation. उधर अमेरिका ने रूस के 20 और लोगों पर बड़े-बड़े बिजनेसमैन पर पाबंदी लगा दी है। दोस्तों ये सैटेलाइट तस्वीर यूक्रेन ने जारी की है और आपको बता दूं कि इस सैटेलाइट में दिखाया गया है कि इसी जगह बेलारूस के अंदर वैगनर ग्रुप के लड़ाके मौजूद हैं। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, नाम बड़ा भारी भरकम लगता है, लेकिन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल रूस की बड़ी फुस्सी साबित हुई। कैसे? इस ड्रोन को देखिए, ड्रोन उड़ रहा है, ये अमेरिका का ड्रोन है जिसको यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। सामने से रशिया इस ड्रोन के ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दागता है, वो मिसाइल आकर इससे टकराती है ड्रोन से, लेकिन ड्रोन को कुछ भी नहीं होता है। रशिया की हालत इतनी पतली हो रही है दोस्तों कि रूस ने अपने कानून में चेंजेस कर दिए हैं, तब्दीली लाए हैं वो। उसके मुताबिक जो अब बदलाव किया है, अब बहरे, गूंगे या जिनको थोड़ी बहुत बीमारियां हैं वो भी इस जंग में रूस की सेना में भर्ती हो सकते हैं और यूक्रेन से लड़ सकते हैं। यूक्रेन और रूस के वॉर अपडेट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।